हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जैसा कि यह इससे रिलेटेड चौथा वीडियो है। एंड दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी टीजीटी 2023 एग्जाम आपका जल्द से जल्द होने वाला है, आपके पास टाइम नहीं है, इस सबको देखते हुए मैंने चैप्टर वाइज सभी टॉपिक का एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। डेली बेसिस पर वीडियो मैं बना रही हूँ, जो आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दोस्तों, केवल यह बीपीएससी टीजीटी 2023 के लिए नहीं है, अदरवाइज सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी वीडियो। एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और सभी थ्योरी सेशन को डिटेल में देखिए और एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे और अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता? विटामिन बी इज नॉट फाउंड इन विच फूड आइटम? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। और विटामिन बी इसमें कौन किसमें नहीं पाया जाता? ज्यादातर जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है वो सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, 2, 3, 4, 5 इस सब के होते हैं। ये तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। इसकी कमी से भूख न लगना, स्मरण शक्ति कमजोर, लकवा पैरालिसिस, बेरी रोग हो जाता है, मस्तिष्क विकृति हो जाती है। एंड जैसे कि चावल अगर धोने से B1 नष्ट हो जाता है, अनाज के छिलके में B1 पाया जाता है, तो इसमें कौन सा विटामिन बी नहीं है? तो विटामिन बी की यहाँ भी बात कर रहा है, बी कॉम्प्लेक्स की, केवल B1 की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे विटामिन बी किस में नहीं पाया जाता है? तो मटर में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, टमाटर में नहीं पाया जाता, पर टमाटर में ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में निम्न में से कौन सा तत्व अपोषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डाइट इज नॉट न्यूट्रिव? तो दोस्तों, कौन अपोषक है? कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स, ये सभी पोषक हैं। जबकि जो फाइबर होता है, फाइबर जो होता है हमारे पाचन क्रिया में, मेटाबॉलिज्म में अच्छा मदद करता है, तो फाइबर अपोषक है, इसे ऊर्जा नहीं मिलता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमाकुंचन होता है, पेरिस्टेलिसिस ऑकर्स, तो क्रमाकुंचन किसमें होता है? तो क्रमाकुंचन जो है इन द आइसोफेगस, यानी आइसोफेगस जो भोजन नली होता है उसमें क्रमाकुंचन होता है, यानी कि पेरिस्टेलिसिस अरुदर्ध और वृत्ताकार मांसपेशियों की अनैच्छिक गति होती है, मुख्य रूप से पाचन तंत्र में होता है, लेकिन कभी कभी शरीर के अन्य खोखले ट्यूबों में भी यह गति होती है। और इन क्रमाकुंचन गति के कारण ही जो भोजन होता है वो आमाशय तक पहुंचता है, यानी स्टोमच तक पहुंचता है भोजन नली से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवजात शिशु का औसत वजन क्या है? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी इन इंडिया? तो भारत में नवजात शिशु का औसत वजन क्या है? 2.8 kg, अक्सर 3 kg होते हैं बच्चे। तो भारत में नवजात शिशु का औसत वजन 2.8 केजी से 3.2 केजी तक माना जाता है नॉर्मल। अब मेल का कितना माना जाता है? मेल बच्चा अगर जन्म लिया तो 2.8 से 3.2 केजी नॉर्मल वेट होता है, वहीं भी फीमेल है तो 2.7 से 3.1 केजी नॉर्मल वेट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट खाद्य पदार्थ के द्वारा बढ़े रक्त शर्करा का मापन किस सूचकांक के अंतर्गत किया जाता है? ब्लड शुगर रिसाइड बाई स्पेसिफिक फूड इज मेजर्ड अंडर विच इंडेक्स? तो खाद्य पदार्थ के द्वारा बढ़े रक्त शर्करा का मापन किस सूचकांक के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ग्लाइसेमिक सूचकांक। क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि सूचकांक, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है होता क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी सूचकांक जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों की रैंकिंग है,
जिससे यह पता लगाया जाता है कि भोजन में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनने में कितना समय लगता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जो सूचकांक है जिसे GI शॉर्ट में कहते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों के लिए एक रेटिंग प्रणाली है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक भोजन आपके रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को कितनी जल्दी प्रवाहित करता है जब वह भोजन स्वयं खाया जाता है। कम GI रेटिंग वाले खाद्य पदार्थ खाने से रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यदि वह 55 या उससे कम है तो आप समझ सकते हैं ये GI जो है रक्त शर्करा को चेक करने का है। कम GI का अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आप अपने रक्त शर्करा को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी के कारण स्वाद की कमी एवं चोट ठीक होने में देरी की शिकायत हो सकती है। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज लेस लॉस ऑफ द टेस्ट एंड डिलाई इन हेल्दी ऑफ इंजरी हीलिंग ऑफ इंजरी। तो यह इसका राइट आंसर है ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी यानी जिंक की कमी के कारण स्वाद की कमी होता है, चोट ठीक होने में देरी की शिकायत हो सकती है। जिंक जो है मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इस सेल यानी कोशिका का उत्पादन प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम का कार्य करता है और घाव को भरने में मदद करता है। एक वयस्क पुरुष के लिए एडल्ट पर्सन के लिए 11 मिलीग्राम जिंक की औसतन रोजाना जरूरत होती है। वयस्क महिला के लिए औसतन 8 मिलीग्राम रोजाना जरूरत होती है। जिंक की कमी से शरीर में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि वजन का कम होना, कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, मानसिक स्वास्थ्य पर असर होना, स्वाद और गंध का पता नहीं चलना, बार बार दस्त होना, बालों का झड़ना, घाव का देरी से भरना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्मिया नरोसा क्या है? व्हाट इज द बुल्मिया नरोसा? बुल्मिया नरोसा क्या है? एक भोजन विकार है यानी ईटिंग डिसऑर्डर्स है। ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी भोजन विकार को बुल्मिया नरोसा रोग कहते हैं। बुल्मिया नरोसा एक गंभीर और जानलेवा भोजन ईटिंग डिसऑर्डर है। बुल्मिया से पीड़ित लोग पहले ढेर सारा खाना खा जाते हैं और फिर मोटापे के डर से बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं या खाए गए खाने को उल्टी न आते हुए भी उल्टी कर देते हैं। कभी कभी लोग थोड़ा सा खाना खाकर भी उसे उगल देते हैं। इस दोहरी क्रिया से पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचता है और शरीर में रासायनिक असंतुलन केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है जो दिल के साथ शरीर के कई अंगों मुख्य अंगों के कामकाज को नुकसान पहुंचाता है या खतरनाक भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है, यहाँ पे आपको देखना है एंटीबॉडीज बनाता है यानी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड। एंटीबॉडीज कौन बनाता है? तो एंटीबॉडीज आपका बनाता है प्रोटीन। कौन बनाता है? प्रोटीन। एंड आंतरिक अंगों की सुरक्षा तो ये करता है आपका वसा यानी कि फैट करता है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स को फैट प्रोटेक्ट करके रखता है यानी कि वसा जैसे एडिपोज टिश्यू के नीचे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रूप में जमा होता है जिसे हमारी बॉडी की आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। एंड सी है अस्थियों दांतों के लिए आवश्यक नेसेसरी फॉर बोन्स एंड टीथ। तो ये होता है कैल्शियम, इसका 2 हो जाएगा। एंड डी है हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक, हेल्पफुल इन मेकिंग हीमोग्लोबिन। ये होता है आयरन यानी कि आयरन एलिमेंट लौह तत्व। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का भाग नहीं है, कौन नहीं है? तो छोटी आंत के 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये तीनों छोटी आंत के भाग हैं, जबकि ग्रेनियम छोटी आंत का भाग नहीं है। छोटी आंत में भोजन का समस्त भोजन का संपूर्ण पाचन और संपूर्ण अवशोषण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए। देयर शुड बी मोर इन द फ्री कंपटीशन डाइट। तो क्या किसकी प्रधानता होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी तुरंत त्वरित ऊर्जा देने वाला कौन है? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। यह शरीर को शक्ति और शक्ति उत्पन्न यानी ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च है, इज स्टार्च, स्टार्च है क्या है, मोनोसैकेराइड की डाइसैकेराइड की पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से दो भागों में सरल शर्करा और जटिल शर्करा में बांटा गया है, उसमें से भी सरल शर्करा में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और जटिल शर्करा में पॉलीसैकेराइड आता है। मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज यानी कि शर्करा के एक अणु से मिलकर बना होता है, डाइसैकेराइड जो है शर्करा का टू अणु से मिलकर बना होता है, पॉलीसैकेराइड शर्करा के टू से अधिक अणु से मिलकर बना होता है। जो सरल शर्करा होता है मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, उसका पाचन आसान होता है। जो जटिल शर्करा होता है पॉलीसैकेराइड, उसका पाचन कठिन होता है। तो जैसे कि मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज आता है और डाइसैकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आता है। एंड पॉलीसैकेराइड यानी जटिल शर्करा के अंतर्गत ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, कैटिन आदि आते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च क्या है, तो स्टार्च आपका है पॉलीसैकेराइड्स, क्या है, पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। स्टार्च है, स्टार्च आपका पाया जाता है अनाजों में जैसे गेहूं, चावल इत्यादि में आपका स्टार्च पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए अपेक्षित संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का क्या अनुपात होना चाहिए, व्हाट शुड बी दैट रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन द बैलेंस्ड डाइट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। तो इन तीनों का अनुपात होना चाहिए 4:1:1, यानी कि हमारे बॉडी के लिए 60-65% आपका कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, 15-20% प्रोटीन की, 25-30% फैट की जरूरत होती है। तो 4:1:1 का अनुपात होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, वेयर डज डाइजेशन ऑफ स्टार्च बेइंग। तो स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, जैसे कि जो ही हम भोजन को मुख में लेते हैं तो मुख में लार ग्रंथि पाया जाता है, उससे सलाइवा यानी कि लार स्रावित होता है, और इन लार ग्रंथियों में, लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो माउथ यानी कि मुंह से प्रारंभ हो जाता है। एंड भोजन का पूर्ण पाचन अवशोषण कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पोषकों के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है, निम्न में से किस पोषकों की कमी से त्वचा प्रभावित होती है, डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशन इफेक्ट द स्किन। तो स्किन को कौन सा न्यूट्रिशन इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक अम्ल। राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू का वैज्ञानिक नाम है, नियासिन यानी निकोटिनामाइड बी थ्री का रासायनिक नाम है, पाइरिडॉक्सिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है, पेंटोथेनिक बी फाइव का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां हैं, हाउ मेनी मैन सैलेवरी ग्लैंड्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में जो सैलेवरी ग्लैंड्स हैं वो आपके पाए जाते हैं 6, कितने पाए जाते हैं 6, अगर जोड़ों में पेयर्स में पूछेगा तो 3 जोड़े होती हैं, यानी 3 पेयर्स में होते हैं, 3-3 दोनों तरफ होती हैं, जिससे लार स्रावित, सलाइवा स्रावित होता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एंड नेक्स्ट है,
बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण है। व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ पुअर बॉडी पोस्चर इन चिल्ड्रेन? तो बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण क्या है, वो है आपका मैलन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। ये जो बैलेंस डाइट है, पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार न मिलने के कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, मैलन्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। जैसे बच्चों में सूखा रोग, रतौंधी, यहाँ तक कि अंधत्व भी कुपोषण के ही परिणाम होते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोकर, मरास्मस आदि रोग हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोटीन? तो कौन सा तत्व है जो केवल प्रोटीन में पाया जाता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों के तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, बट प्रोटीन में एक अलग तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो केवल प्रोटीन में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के कारण ही ये सबसे अलग है। कभी कभी इसमें सल्फर भी पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो कि व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती है। यह बात किसने कहा है? हेल्थ एजुकेशन इज इसेंस ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंसेस इन स्कूल एंड अदर प्लेसेस विच हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड सोसाइटी हु हैज सेड। इस बात को कहे हैं थॉमस वुड ने। किसने कहा है इस बात को? थॉमस वुड ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होता है? व्हाट कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर लेवल? हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? तो इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है, जिसका स्त्राव होता है पैंक्रियाज से। कहां से? पैंक्रियाज से। यह जो है उच्च रक्त शर्करा को कम करने के लिए अति तत्काल प्रभावी प्रयोग करता है और यह तरल और शुद्ध रंग का होता है। इसका इंजेक्शन भोजन से 15 मिनट पूर्व लेना चाहिए, जिससे कि प्रभाव भोजन के 10 मिनट बाद दिखाई दे। जैसा कि दोस्तों यह हमारे इंसुलिन लेवल को, रक्त शर्करा लेवल को कंट्रोल करके रखता है इंसुलिन। जैसे कि इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन करता है क्या है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और ऊर्जा कन्वर्ट करने में सहायक होता है, इंसुलिन के एटीपी बनाने में। जैसे कि इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिससे जो ग्लूकोज होता है रक्त में तैरने लगता है। इसी को मधुमेह यानी डायबिटीज कहते हैं। अगर हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और जब इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने लगता है, इससे हमारे रक्त में शर्करा की कमी हो जाती है, तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू विच सिस्टम? तो मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? तो इसका संबंध है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से यह संबंधित है। तो हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों में रासायनिक क्रिया करके उसे एटीपी प्लस एटीपी प्लस पी ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों में रक्त के माध्यम से पहुंचता है। इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस किसके पाचन में सहायक है? बाइल जूस इज हेल्पफुल इज हूज डाइजेशन? तो पित्त रस जो है बनता कहाँ है? यकृत यानी लीवर में। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय यानी गाल ब्लेडर में। और करता क्या है यह? यह छोटी आंत के डेडुनम से जुड़ा रहता है, पित्ताशय नली। वहां पे छोटी आंत में आपका आता है पैंक्रियाज से स्त्रावित होने वाले एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सभी। पैंक्रियाज नली भी जुड़ी रहती है छोटी आंत के प्रथम भाग डोडिनम से, और पित्त नली भी जुड़ी रहती है। दोनों के जो स्त्राव होते हैं आकर के डोडिनम में मिलता है। तो जिसमें से जो आपका पित्त रस होता है वो फैट के पाचन में सहायक होता है, फैट यानी वसा के पाचन में सहायक होता है। किसके साथ मिलकर के? जो पैंक्रियाज से एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, जो लाइपेज एंजाइम होता है वो पित्त रस के साथ मिलकर के वसा का पाचन करता है। जो एमाइलेज होता है वह ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। और जो ट्रिप्सिन होता है पैंक्रियाज में स्थापित होने वाला, वो प्रोटीन को
अमीनो एसिड में बदल करके प्रोटीन का पाचन करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत क्या है? द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो वो है आपका ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन क्या है? व्हाट इज थायमिन? थायमिन क्या है दोस्तों? रोग है कि हड्डी है कि पेशी है? तो एक विटामिन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, जिसकी खोज फंक ने 1912 में किया था। यह जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन BCH और वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर के प्रत्येक किलोग्राम भार के लिए प्रति घंटा की दर से मूल ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? व्हाट इज द बेसिस एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर आवर फॉर इच किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट? तो शरीर के प्रत्येक किलोग्राम भार के लिए प्रति घंटा की दर से मूल ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो वह होता है 1.3 कैलोरी। 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कैलोरी ऊर्जा की वह इकाई है जो 1 मिलीलीटर पानी के ताप को बढ़ा देती है। 1 कैलोरी इज यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो दोस्तों 1 कैलोरी ऊर्जा को उस ऊर्जा को कहते हैं जो जल 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे, उसे कहते हैं 1 कैलोरी। उतना ही 1 कैलोरी होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल के तापमान को, टेम्परेचर को बढ़ा दे रही है, यही 1 कैलोरी के बराबर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, 2 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉन्टेंट्स, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर कितना कैलोरी होता है? 4.1, यानी 4 कैलोरी होता है। तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा? 8 कैलोरीज। तो 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर कितना होता है? 8 कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है? Why is good nutrition importance for health? तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है दोस्तों? तो डेवलपमेंट यानी बॉडी के डेवलपमेंट यानी विकास के लिए अच्छा पोषण जरूरी है। किसी व्यक्ति का सामाजिक या आर्थिक स्तर जैसा भी हो, उसके स्वास्थ्य का मुख्य आधार भोजन ही होता है, क्योंकि भोजन या आहार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, 6 पोषक तत्व है जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। जबकि पोषण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें आहार भोजन के उपभोग से शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है। पोषण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी भोजन को पचा लेता है और उसका प्रयोग ऊतकों की वृद्धि और प्रतिस्थापन के लिए करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है, प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन लास्ट, तो प्रोटीन अंतिम रूप से किस में टूटता है दोस्तों? तो वो होता टूटता है अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में। प्रोटीन अमीनो अंतिम रूप से अमीनो एसिड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, फैट यानी वसा अमीन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है, जबकि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है यूरिन यानी कि मूत्र। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात कितना होता है? What is the protection of protein in the structure of human body? तो मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात कितना होता है? 17% होता है। कितना होता है? 17% होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठबद्धता का कारण है, What is the causes of, यहाँ पैरालिसिस नहीं होगा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होगा। क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन, पैरालिसिस ये तो दूसरा चीज हो जाता है, वो अंग भंगता हो जाता है। पैरालिसिस दूसरा चीज होता है जिससे हमारा न्यूरॉन्स का कनेक्शन अंगों से, जो कार्यकारी अंग है मोटर न्यूरॉन्स का कनेक्शन टूट जाता है, उसको पैरालिसिस कहते हैं। यहाँ पे पैरालिसिस नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन
डिप्रेशन होगा यानी कोष्ठबद्धता। इस किसके कारण होता है? पानी की कम मात्रा लेने से डिहाइड्रेशन यानी कोष्ठबद्धता हो जाता है। जैसे कि कोष्ठबद्धता का कारण होता है भोजन में फाइबर का अभाव, शरीर में पानी के कम होना, कैल्शियम और पोटेशियम का कम मात्रा लेना, अल्प भोजन, बगैर भूख के भोजन करना, ज़्यादा उपवास करना, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा प्रयोग करना, ये सभी कॉन्स्टिपेशन यानी कोष्ठबद्धता का कारण हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यानी 30 क्वेश्चन, आई होप कि सभी 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।